आज हम ट्राई करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के बहुत 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 ही अद्भुत मिथ्स, और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मिथ के हिसाब से अगर हम लोग अपने पैरेट को अपने शोल्डर पे बैठा कर इलाइट्रा की मदद से उड़े तो ये भी हमारे शोल्डर पर बैठ जाएंगे। रियली लेट्स ट्राई गाइज। तो एक का नाम है लाइक और दूसरे का नाम है सब्सक्राइब, दोनों कर देना। भाई ये सब क्रीपर की आवाज निकाल रहा है, मैं तो एक टाइम के लिए डर ही गया था। कोई नहीं, तो सबसे पहले इलाइट्रा पहनते हैं और ओके, तब दोनों हमारे कंधे पे बैठ चुके हैं। अब हम इलाइट्रा की मदद से उड़ने की कोशिश करेंगे। सो गाइस मैं ऐसे कर लेता हूँ, सही रहेगा। ओके अरे कहाँ उड़ गए भाई। ओके एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आजा भाई तू आजा। देख भाई क्रीपर की आवाज बिल्कुल बंद निकाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके तो फिर से दोनों बैठ चुके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं उड़ने की। अरे भाई तो गाइस मैं जो उड़ने की ट्राई कर रहा हूँ ये दोनों मेरे कंधे से उतर जा रहे हैं, इसका मतलब द मिथ इज बस्टेड। तो सेकंड मिथ के हिसाब से अगर हम लोग लामा को ग्रे कारपेट पहना है तो उनके ऊपर ठग लाइफ वाले ग्लासेस आ जाएंगे। रियली चलो जाके ट्राई करते हैं। तो गाइस पीछे लामा है तो चलो जल्दी से इसे ग्रे कारपेट पहनाते हैं। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। ओके तो इसको यहाँ पे रखते हैं और ओ भाई साहब एकदम सुपरमैन लग रहा है भाई, ये तो एकदम ठग लाइफ वाले चश्मे आ गए इसके ऊपर, बिल्कुल मेरी तरह। ओके तो अब इस वाले लामा पे ट्राई करते हैं, देखते हैं इस पे होता है कि नहीं। ओके तो बैठते हैं सबसे पहले और इसे रखते हैं यहाँ पे। ओपी भाई साहब कितना ओपी लग रहा है भाई, ये लिटरली गाइस ये बहुत ही ओपी लग रहा है, और ये मिथ भी बहुत ही अच्छी थी, इसका मतलब द मिथ इज कंफर्म्ड। तो गाइस थर्ड वाले मिथ बहुत ज्यादा ही ओपी है। इस मिथ के हिसाब से हम लोग विदर चाचा के नेम को चेंज कर सकते हैं उसके एक्सप्लोड होने से पहले। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो सबसे पहले एनविल पे नेम चेंज कर लेते हैं नेम टैग का। ओके इसको यहाँ रखते हैं और क्या नाम रखूं मैं। ओके रुको लेट मी थिंक यार। अब जल्दी से विदर को स्पॉन करते हैं और देखते हैं हम लोग उसका नामकरण कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सोर्स एंड लगाते हैं और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे रखते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई स्पॉन क्यों नहीं हुआ, ऐसे ही स्पॉन होता है ना विदर। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इसको ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ पे इसको और इस साइड, और इस बार तीन लगा के देखेंगे विदर स्केलेटन हेड। और ओ भाई सब स्पॉन हो गया। भाई मैं भी कितना बुद्धू हूँ यार। तो चलो यहाँ पे इसका नेम चेंज करते हैं। और ओ भाई साहब अरे चाचा जी कहाँ जा रहे हो, रुको मैंने आपका नाम रखा है, मुझे पैसे तो दो। तो गाइस मैंने विदर चाचा का, मेरा मतलब है विदर का नाम चेंज कर लिया है, इसका मतलब द मिथ इज कंफर्म्ड। इस मिथ के हिसाब से हम लोग बैरियर ब्लॉक को एज अ रेडस्टोन यूज कर सकते हैं। लिटरली गाइस बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस मैंने यहाँ पे छोटा सा एक मैकेनिज्म बनाया, देखते गाइस वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने रेडस्टोन की जगह बैरियर ब्लॉक रखा है, अब यहाँ पे इसको ऑन करते हैं और तो देखते हैं यार इसको ऐसे ऑन करते हैं यहाँ पे और भाई हटना। यस गाइज ये रेडस्टोन लैंप ऑन हो गया। अब ट्राई करते हैं गाइज थोड़े दूर जाकर, इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे इसको रखते हैं और अब इसको ऑन करते हैं लीवर को। इसका मतलब से भी वन बैरियर ब्लॉक की दूरी तक ही काम कर सकता है, लेकिन तब भी गाइज द मिथ इज कंफर्म्ड। गाइज इस वाले मिथ ने लॉजिक की धज्जी उड़ा दी है, क्योंकि इस वाले मिथ के हिसाब से अगर हम लोग दो डिफरेंट शीप को लें और दोनों की ब्रीडिंग करवाएं और जो लास्ट वाला शीप होगा जिसको हमने अपना वीट खिलाया उस कलर का बेबी स्पॉन होगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे रंग बिरंगे कलर्स के शीप मंगवा दिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ ट्राई करते हैं, तो जिसको हम लोग लास्ट में खिलाएंगे उसी कलर का बेबी आएगा। इसका मतलब हम लोग इसको पहले खिलाते हैं और इसको खिलाते हैं, अब देखते हैं किस कलर का शीप आता है। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके कोई नहीं गाइस एक बार गलती हो जाता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ खिलाते हैं और इसको इधर खिलाते हैं, अब देखते हैं किस कलर का बेबी आता है। येलो आ जाना गाइस, येलो आ जाना। यस गाइस देखा आपने, अब फिर से इधर ट्राई करते हैं, इसको इधर और इसको इधर। अब भाई प्लीज ब्लैक आ जाना, ब्लैक आ जाना। तो गाइस ये वाला मिथ हमने ट्राई किया और हमें कई बार सेम कलर की शिप मिल रही है और कई बार नहीं, लेकिन तब भी गाइस द मिथ इज बस्टेड। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एक सेकेंड, तो गाइस ये कहना चाह रहा है कि मैंने इसका इस वीडियो पे फेस रिवील नहीं किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, अगर इस वीडियो पे 3K लाइक्स आते हैं तो मैं अगली वीडियो में इसका फेस रिवील करूंगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब तक के लिए बाय बाय।